Hello and welcome to the another very very interesting lectures of hot sponge biology with Tahir Awan ke saath. So pichle video session mein humne discuss kiya tha the internal structure of female reproductive system. Aaj ke video session mein hum discuss karne wale hain ki female reproductive system ka external view kaisa hota hai, jisko kaha jata hai the external genitalia bhi kaha jata hai and vulva bhi kaha jata hai, right? So, आइए देखते हैं कि एक्सटर्नल व्यू से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स दिखते हैं, राइट? सो व्हेन वी ऑब्जर्व द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम द फ्रंट व्यू, व्हाट वी ऑब्जर्व दैट बिलो द एनस देयर इज अ डिप्रेशन. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, डिप्रेशन होता है. डिप्रेशन आप मान लीजिए कि जिस तरह से ये दो कोई भी वॉल्स हैं और इनके बीच में एक डिप्रेशन, राइट? अब वो जो डिप्रेशन है, दैट डिप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय टू लेयर्स ऑफ स्किन, और यू कैन से दैट द टू फ्लैप्स ऑफ द स्किन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डिप्रेशन इज नोन एज, उस डिप्रेशन को क्या कहा जाएगा, दैट डिप्रेशन इज नोन एज वेस्टिब्यूल. तो ये लास्ट में बताएंगे बेसिकली आपको वेस्टिब्यूल कहां पे लेबल करना है, राइट? अब जो ये मैं डिप्रेशन है, इसको दो स्किन फोल्ड्स जो है इसको कवर करते हैं. वन इज द आउटर फ्लैप, सो वन इज द आउटर फ्लैप ऑफ द स्किन. द आउटर फ्लैप ऑफ द स्किन इज द लेबिया मेजोरा. क्या कहा जाता है इसे, लेबिया मेजोरा. सो बेसिकली लेबिया मेजोरा का मतलब होता है मेजर लिप. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब आप बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, सो इस तरह से बाहर से एक फ्लैप होता है, बड़ा वाला फ्लैप, राइट, बाहर की तरफ, और बीच में एक डिप्रेशन है, उसको कहा जाएगा वेस्टिब्यूल. सो जो पहला फ्लैप होगा स्किन का, वो बड़ा होता है और वो आउटर साइड पे होता है, दैट इज नोन एज द मेजर फ्लैप और द मेजर लिप. सो Inside that major lip, there is another flap of skin which is known as labia minora. क्या कहा जाता है, labia minora. So बड़े सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है मेजोरा क्या है, माइनोरा क्या है. So मेजोरा यानी कि major lip and labia minora यानी कि minor lip. अब जो ये labia minora होता है, it consists of sweat glands and sebaceous. यहां पे होते हैं sebaceous glands, right? So ये जो basically आप दोनों ही कह सकते हैं कि जो ये दोनों flaps होते हैं labia minora as well as labia majora, यहां पे sweat glands और sebaceous glands होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारी secretions को secrete करते हैं, right? अब लेबिया मेजर और माइनर फ्लैप के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जो इस लोअर या कह सकते हैं इस लेबिया माइनोरा के जस्ट अपर साइड पे प्रेजेंट होता है, छोटा सा ऑर्गन होता है, दैट ऑर्गन इज नोन एज क्लाइटोरिस, राइट? सो दिस क्लाइटोरिस इज बेसिकली द इरेक्टाइल ऑर्गन, राइट? ये बेसिकली क्या है, इरेक्टाइल ऑर्गन है. जिस तरह से मेल्स में पेनिस इरेक्टाइल ऑर्गन था, वैसे ही फीमेल्स में क्लाइटोरिस भी इरेक्टाइल ऑर्गन होता है. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द रबिंग, सो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है, सो ड्यूरिंग दैट रबिंग ये जो क्लाइटोरिस में जब रबिंग होती है, देयर इज ए सेंसेशन, वहां पे एक सेंसेशन जनरेट होता है, and that is basically a pleasurable sensation, right? इसके अलावा इस sensation को produce करने के अलावा clitoris का कोई भी function नहीं अभी तक पाया गया है. So पहला need का objective ये है, और दूसरा क्या है, this clitoris is homologous to the penis, right? So females में भी erectile organ होता है. अब जो ये क्लाइटोरिस है, जिस तरह से पेनिस को हमने देखा था एक मास ऑफ ग्लैंड्स
या मास ऑफ स्किन फोल्ड जो था कवर करके रखता था, उसी तरह से इस क्लाइटोरिस को भी एक मास ऑफ स्किन फोल्ड करके रखता है. सो दैट इज नोन एज प्रीप्यूज ऑफ क्लाइटोरिस, राइट. सो ये भी इट इज जस्ट होमोलोगस टू द प्रीप्यूज ऑफ द टैलिस, राइट. अब आगे की तरफ बढ़ते हैं. अब देखिए जो ये इसका मेजर फ्लैप है, दैट इज द लेबिया मेजोरा आउटर फ्लैप इज कन्वर्ज टुवर्ड्स ए कॉमन पॉइंट. तो देखिए कॉमन पॉइंट पे ये जो लेबिया मेजोरा है यहाँ पे आके अटैच हो गया, ये कह सकते हैं इसका एक कॉमन पॉइंट है. दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज फोरशेटे. दिस इज नोन एज फोरशेटे. सो फोरशेटे सिंपली क्या है, जहां पे दोनों के दोनों मेजर फ्लैप्स जो है, मेजर लिप्स जो है आके ज्वाइन करते हैं, राइट. उसके बाद जो सबसे नीचे ऑर्गन होता है, दिस इज नोन एज एनस. ये एनस है, एनस की ओपनिंग है. एंड द स्पेस बिटवीन द एनस एंड द फोरशेटे, क्या बोला, द स्पेस बिटवीन द एनस एंड द फोरशेटे, दैट स्पेस इज नोन एज पेरिनियम. इसको कहा जाता है पेरिनियम, राइट. अब पेरिनियम के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, द इंटरनल ऑर्गन. अब देखिए जो ये लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा के अंदर जो ये रेड कलर का मैंने लेयर बनाया है यहाँ पे, सो दिस रेड कलर लेयर इनसाइड द लेबिया माइनोरा इज नोन एज हाइमन. दिस इज नोन एज हाइमन. एंड दिस हाइमन लेयर इज ऑल्सो नोन एज वर्जिनिटी लेयर. क्या कहा जाता है इसे, वर्जिनिटी लेयर. एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स दिस हाइमन लेयर इज रप्चर्ड. सो अगर किसी लड़की की वर्जिनिटी को टेस्ट करना हो, सो उसकी जो हाइमन की लेयर होती है उसको चेक किया जाता है, राइट. लेकिन अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं आया है जिससे हम ये पता लगा सके वेदर ए गर्ल इज वर्जिन और नॉट. एक गर्ल की जो वर्जिनिटी है वो गर्ल से बेटर आपको कोई नहीं बता सकता है, राइट. सो इट इज जस्ट एन इंडिकेशन. तो जो ये हाइमन का लेयर होता है, सो ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉपुलेशन ये हाइमन का लेयर टूट जाता है, यानी कि उस गर्ल का जो वर्जिनिटी होता है वो लूज हो जाता है. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको मैं बता दूं, दिस वर्जिनिटी, इफ द वर्जिनिटी इज लूज्ड इन द गर्ल्स, इट कैन बी रिस्टोर्ड. इसको रिस्टोर किया जा सकता है. सो डॉक्टर्स क्या करते हैं, छोटा सा ऑपरेशन करते हैं. उस ऑपरेशन को करने के बाद वो इस हाइमन का जो लेयर होता है इसकी स्किन को दोबारा से स्टिचेस लगा देते हैं और उसकी जो वर्जिनिटी है दोबारा से रिस्टोर हो सकती है. सो काफी ज्यादा इसका काम किया जाता है इंडिया में, राइट. उसके बाद नाउ आफ्टर द हाइमन देयर आर, या ये कह सकते हैं इन साइड द हाइमन देयर आर टू ओपनिंग्स एंड द फर्स्ट ओपनिंग इज द वेजाइनल ओपनिंग. सो दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग. इसको आप वेजाइनल ऑरिफिस भी कह सकते हैं, राइट. सो वेजाइनल ओपनिंग का काम क्या है, टू रिसीव द पेनिस एंड फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड फॉर पार्चुरेशन. उसके बाद बड़े ध्यान से देखिए जो वेजाइनल ओपनिंग है इसके साइड पे मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं. दीज टू स्ट्रक्चर्स अब मैं यहाँ पे एक को ही लेबल करता हूँ. दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नोन एज Bartholin's glands. These are known as Bartholin's glands. And what is the function of this Bartholin's glands? When there is a sexual stimulation in the woman, these Bartholin's glands release mucus. So that mucus helps in the lubrication of the penis and for the smooth conduction of the sexual intercourse. Right? So this Bartholin's glands is also homologous to the Cooper's gland, right? Cooper's gland in males. So, दोनों का एक ही काम होता है, right? Now, the next opening that is present above the vaginal opening is the urethral orifice, right?
So there are two separate openings in female. This urethral orifice is just for urination, and I have already explained the function of the vaginal opening. So this is the major structures, yeah, major parts of the external genitalia. Now one more part that is remaining is the space above the labia majora. So the space above the labia majora is the mons pubis. It is known as mons pubis. And in the mons pubis region, hairs are present. So hairs are also present in the major lip or the labia majora and the mons pubis region. Now what I will do, now I will explain or I will summarize what we have studied till now. So listen very very carefully, right? So if I talk about the external vulva of the female reproductive system, there is a depression. हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा आपको, भूल गया, depression. So वो जो आप depression, आप vestibule को ये यहाँ पे label कर सकते हैं. This is the whole depression, right? So आइए अब आपको बताते हैं. So there is a depression called vestibule in front of the anus, and it is flanked by the two folds of the skin. One fold is known as the labia majora and the another is known as labia minora. Labia majora is the main and minora is the minor skin fold, right? Now a small erectile organ lies at the anterior junction, यानी कि जो ये labia minora है, at the anterior junction there is a clitoris. It is an erectile organ and it is covered by a prepuce which is known as prepuce of the clitoris, right? Then a membranous fold of the labia majora is known as fossae, and the space between the anus and the fossae is known as vaginal perineum opening, right? So the vaginal opening or the vaginal orifice is covered by a virgin layer. So ये देखिए, जो ये vaginal layer है, इसको ये virgin layer protect कर रही थी. So this virgin layer, ये जो पूरी की पूरी layer है, this is known as hymen layer, which is present only in the virgin girls and it is broken down during the first copulation. So basically the hymen is a protective tissue of this vagina, and the vaginal opening is between the two openings or the two glands which are known as Bartholin glands, which secrete mucus during the copulation, and there is separate opening for the urethra or for the urination, which is known as the urethral orifice. So this was the structure of external vulva or external genitalia in females. I hope करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी कोई doubts होगा तो आप हमें definitely बताना, और video को like करना please मत भूलेगा, और channel को भी subscribe करना है. इसके साथ आज का video session यहीं पे खत्म होता है. अगले video session में हम discuss करेंगे the structure of ovary, right? So till then, stay safe, stay healthy, and goodbye.